भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अध्याय चौथे की कथा सुनाने जा रहे हैं। चतुर्थ अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वेपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर वोभिने दूस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवर वपुः करुणयोः करुणिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वैणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवर मौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फुल्लेन्दी वरकांतिमिन्दु वदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोप संघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में अधिक मास आता है और अधिक मास को
पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है। वैसे तो इस माह को पुरुषोत्तम माह कहना सबसे उचित रहेगा। इसके अलावा इसका और भी नाम है, कृष्ण वल्लभी मास, और कुछ लोग इसे लौंद मास के नाम से भी पुकारते हैं। तो वैसे देखा जाए तो पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान का स्वरूप है। यदि आप इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक में भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पुरुषोत्तम मास में जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तारों को अर्घ प्रदान करें, और उसके बाद तुलसी जी में जल चढ़ा करके तुलसी जी का पूजन करें, दीपक जलाएं, दीप दान करें, गौ माता की पूजा एवं सेवा करें, पीपल के पास दीपक जलाएं और अपने मन और तन को पवित्र रखें, सद आचरण करें। जितना हो सके अच्छा से अच्छा कर्म आपको करना चाहिए, पुण्य कर्म करें, भगवान नाम का उच्चारण करें, प्रभु के मंत्रों का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट मंत्र का जाप करें, और आहार में व्यवहार में पूरी तरह आपको पवित्रता इस माह बरतना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इस महीने आप जितना भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास अपने आप में एक सर्वोत्तम महीना है। और 12 महीनों में जो कर्म हम करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनसे कहीं अधिक बढ़ करके, यानी अधिक मास पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भी कर्म करेंगे हम, तो हमको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। तो यदि आप अपने जीवन के सभी कष्ट और संकट को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक पावन अवसर आया है, पुनीत अवसर आया है, इसको हाथ से बिल्कुल ना जाने दे। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास अधिक मास में नित्य प्रति स्नान करके दान पुण्य करता है, उसके जीवन में जो जो भी समस्याएं होती है, जो जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, उन सभी का निदान अवश्य ही उसे प्राप्त हो जाता है, और उसके घर में स्थिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी का वरदान उसे प्राप्त होता है, तथा इस जन्म में, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। यानी 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें फिर आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपने पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन कर लिया, तो निश्चय ही आपकी मुक्ति हो जाएगी और आपको नारायण का सानिध्य प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ का सेवन भी करना चाहिए। अवंतिका क्षेत्र में यानी उज्जैन में जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास अधिक मास में यात्रा करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो उसको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो 7 पुरियां हैं, उनमें अवंतिका क्षेत्र यानी वर्तमान में जिसे उज्जैन कहा जाता है, जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव महाकालेश्वर के रूप में विराजित है, उस पुण्य नगरी में मां क्षिप्रा है, मां हरसिद्धि है। इसके अलावा वहां पर सारे देवी देवताओं का आज भी निवास स्थान माना जाता है। तो पुरुषोत्तम मास का यदि आप सेवन करना चाहते हैं, तो आपको उज्जैन जाकर के वहां पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दिन आप जो है प्रतिदिन एक कथा का श्रवण जरूर करें। हम आपके लिए प्रत्येक दिन की एक एक अध्याय की कथा सुना रहे हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में यदि आपने कोई संकल्प लिया है, कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, तो आप दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, और इस महीने झूठ न बोले, क्रोध न करें,
बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस महीने झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके घर पर यदि कोई याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको अपनी श्रद्धा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करे और कथा जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा पुण्य नहीं मिल पाएगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के अधीन सारे मंत्र होते हैं और समस्त मंत्रों के अधीन देवी देवता होते हैं। इसलिए ब्राह्मण को इस पृथ्वी का देवता कहा गया है, भूदेव कहा गया है, और कहा जाता है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इसलिए कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के पश्चात उनको अधिक से अधिक दान पुण्य भी आपको करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा जो कि बृहन्नारदीय पुराण में बताई गई है और इसमें भगवान श्री नर नारायण के मुखारविंद से नारद जी एक एक अध्याय की अलग अलग कथाओं का श्रवण करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय की जो कथा बताई गई है उसमें पहले की जो तीसरे अध्याय की आपने कथा सुनी थी उसके आगे का क्रम प्रारंभ होता है। श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अधिमास बोला कि हे नाथ, हे कृपानिधे, हे करुणा सागर, हे दीनानाथ, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहां आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने स्वामी देवता वाले मासादिको द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहां चली गई है और आज यह कठोरता आपके अंदर कैसे आ गई है? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही है दीन वत्सल, आप कहिए मुझ शरण आए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही है दीन दयाल, है करुणा निधान, कहिए मुझ शरण आए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही है करुणा सागर दीन वत्सल, आप कहिए मुझ शरण आए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही है दीन वत्सल, है करुणा निधान, आप कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही है कृपानाथ, कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही है दीन वत्सल, हे कृपानाथ, कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार श्री नारायण बोले और भगवान को कह करके स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए हुए जगतपति के सामने चुपचाप मौन होकर के शांत खड़ा रहा। उसका रोता हुआ मुंह देख करके रोते हुए देख करके भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए, करुणामय हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से प्रभु अपनी सुंदर सुमधुर वाणी से बोले, श्री हरि बोले कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में लगा हुआ है? दुख में डूबते हुए तुझको हम जरूर बचाएंगे, तुम शोक मत करो, मेरी शरण में तुम आ चुके हो, फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है शरणागति में आ जाता है
उसको कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है, कोई शोक नहीं रहता है, कोई संशय नहीं रहता है। यहां आकर के महादुखी नीच भी शोक नहीं करता है। तो तुम किस लिए यहां आकर के शोक में अपने मन को दबाए हुए हो? यहां आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु यहां आने वाले को नित्य आनंद ही आनंद प्राप्त रहता है, क्योंकि परमात्मा के शरण में जो मनुष्य एक बार आ जाता है उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, उसको केवल परमानंद ही सदैव प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार के गोलोक धाम में आकर के, वैकुंठ में आकर के तुम कैसे दुखी हो रहे हो? तुमको यहां पर दुखी देख करके वैकुंठ में निवास करने वाले सभी देवी देवता विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार भगवान की वचन को सुनकर के बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख करके श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास भगवान मधुसूदन से बोला, नारायण से बोला। अधिमास बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आप सच्चिदानंद स्वरूप है, आप चारों ओर निवास करने वाले पर ब्रह्म है, आप परमात्मा है, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर के बैठे हुए हैं, चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को आप सदैव देखते रहते हैं, विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, हे देवाधिदेव, हे परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव नहीं है। क्या आप मुझे अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? आप तो सर्वव्यापी है, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूं, जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूं, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न कभी सुना है। क्षण निमेश मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के, अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं, और मेरा तो कोई भी नाम नहीं है, न मेरा कोई अधिपति है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, और न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। अतः क्षणादिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है, मेरा तिरस्कार किया है, और सभी ने इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शब्द का उच्चारण किया है कि मैं गंदा हूं, मैं मलिन हूं, और मैले की तरह मेरा स्वरूप है, और मेरे बारे में तो सभी यही कहते हैं कि यह मलमास सर्वथा त्याज्य है, यानी सभी प्रकार के शुभ कार्यों में वर्जित है, मैं अंधा हूं, गर्त में गिरने वाला हूं, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं अपने प्राणों का आज परित्याग आपकी शरण में आकर के करना चाहता हूं, मैं मरने की इच्छा करता हूं, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन जीने से तो मृत्यु ही उत्तम मानी जाती है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको कुछ और कहना ही नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि हे पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय है, आप कल्याण करने वाले हैं, और दूसरों के दुख को कभी भी आप सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझ करके जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो, आप वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र जैसे चुप हो गया और एकाएक श्री हरि विष्णु के निकट गिर पड़ा। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख करके भगवान की सभा के लोग और वहां के जितने भी सभासद थे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए कि आखिर ये क्या हो रहा है।
और यह क्यों मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कह करके चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए प्रभु श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि से समान वचन सुनकर के प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से आगे की बात कहते हैं। इस प्रकार यहां पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास समाहातम महात्मे चतुर्थो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तजनों माताओं बहनों, आज आपको हमने अधिक मास पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाई है। यदि आप अधिक मास कथा के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं या ब्राह्मण भोजन के निमित्त या कोई भी पुरुषोत्तम माह के निमित्त दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें और इस हेतु नगद धन राशि हमारे गूगल पे फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके परम पुण्य पुरुषोत्तम माह का समस्त पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।